क्या है यार इसमें, ये बार बार चूड़ी इनकी इतनी। इसका ये मन कर रहा है कि मैं आज इनको वीडियो नहीं बना दूंगी, लो लाओ। हेलो भाई, मैं रुपमान। आज हमारी टीम देखिए भाई किस तरीके की प्रिपरेशन में लगी हुई है। क्या करने वाले भाई आज? रेस मारने वाले आज गाड़ी से। ऐसे उल्टी उल्टी रेस कौन सी उसकी होती है, ऐसे इधर उधर मुंह करके? हम देखते हैं पता चले कौन सा इंडिवेट जीते, स्कॉर्पियो महिंद्रा जीते। अगर सुकर महिंद्रा हार गए ना तो महिंद्रा की नार काट देंगे, तुम निकाल देंगे बाहर। अगर ये जीत गया तो ये जीतता बात, और अगर ये हार गई तो इसकी नार नहीं काटोगे? नहीं बिल्कुल भी ना, ये हारे का सारा बाबा ये ले जाएगा। तो उसमें हारे का सारा बाबा नहीं है, उसमें भी है, उसमें तो बहुत छोटा मंदिर है, ये अब नया आया है। अच्छा ये बड़ा वाला है। ठीक है भाई, तो आज इसका कहने का मतलब है कि आज हम करने वाले हैं फोर्ड एंडेवर और हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बीच में टग ऑफ वॉर। क्या होता है भाई टग ऑफ वॉर, आप बताना चाहो पहले ही, अब क्यों रो रहे हो? अब ये बताओ टग ऑफ वॉर क्या होता है? मुझे कि मेरी गाड़ी हारने वाली है इसलिए। स्कॉर्पियो एन इतनी पहले से ही भाई, वो भी बहुत पावरफुल गाड़ी है। क्या करते हैं कि एक ऐसे पेल लगा देते हैं, इसको इधर से दोनों की पुच्छियों को जोड़ के खींचते हैं कि कौन सी की पुच्छी किसको खींच के ले जाएगी। तो आपको क्या लगता है कौन सी किसको खींच के ले जाएगी? ऑब्वियसली ये। चलो भाई आज इसी भ्रम को इनको मिटाते हैं। दोनों हमारे पास आज ये 4x4 व्हीकल्स हैं, 4 एक्सप्लोर, और यहाँ पे आप देखोगे एंडेवर में भी 4 व्हील ड्राइव है। अभी पावर फिगर्स की मैं जल्दी से बात बता दूं आपको, तो इसमें भाई साहब आता है हमारा 3200 सीसी का डीजल इंजन जो निकालता है 201 bhp, साथ में 470 Nm का टॉर्क निकालता है। वही इसकी बात करें तो इसके अंदर आता है अपना 2200 सीसी का एमोक इंजन जो 170 bhp के साथ हमको निकाल देता है 370 Nm का टॉर्क। तो भाई अगर 4x2 में कौन सी हमको विजेता घोषित नहीं हुई तो 4x4 का ऑप्शन तो हमारे पास है ही। तो क्या ड्राइवर्स हमारे पास रेडी हैं? यस। हाउ इज द जोश भाई? भाई हाय। क्या बोल रहा है अभी पहले? हाउ द जोश? हाउ द जोश क्या होता है वो समझ में नहीं आता। चश्मे उतारेगा तभी तो समझ में आएगा। नहीं नहीं तो चश्मे लगा लिए, क्या दिक्कत दे रहा है? ये तेरा हेटर्स है ये लगता है ऐसा ही। चलो भाई समझ नहीं आया, चलो स्टार्ट करते हैं भाई और आपको बताते हैं इन दोनों के बीच में भाई कमजोर। ओ जा एन में, एन में जा, चल एन पे तो चलो वहां में पलट गई। एक तो तीन करियो ऐसी से उतार जा, आ जाएगी आप ही। भाई ये चीज बेकार है, ये चूड़ी कटती जा रही है ना, तो ये खराब हो रही है जैसे देख यार। ये महिंद्रा में ये दिक्कत है यार, ये चूड़ी इनकी है, तू ये आगे ले जा। स्कॉर्पियो है की इसमें दिक्कत है ही भाई, ये घूमती नहीं है पूरी चूड़ी ये, जबकि हमारी गाड़ी में इसमें रिप्लेस हो रखी है। पहले भी खराब होगा फिर दोबारा पोना है, यही खराब हो रही है, फिर चूड़ी बेकार हो रही है अंदर से ना कोई। ये हमारा एंडेवर का सिस्टम बढ़िया है, ये चूड़ी मूड़ी का कोई सिस्टम ही ना है, अपना चेसी में इंटीग्रेटेड है, वेल्ड कर रखा है, अपना सबसे बेस्ट सिस्टम है इसमें। देखना कितनी जान लगा के हमको ये टोवो का वो करवाना पड़ता है, जान बन रही है राजस्थानी में, गाड़ी पूरी अदर रह जाए भाई। यार स्कॉर्पियो एन में भी ना आए दिन आती रहती है दिक्कत, तू भी लगाइए जोर। लो चूड़ी खराब हो रही है भैया, चूड़ी खराब कर दी है, चूड़ी कटनी है। क्या है यार इसमें, ये बार बार चूड़ी इनकी इतनी। इसका ये यो मन कर रहा है कि मैं आज इनको वीडियो नहीं बना दूंगी, लो लाओ। चूड़ी का दुखी कर रहा है, ये बनानी पड़ेगी, बनानी तो पड़ेगी। जब ये लाए जब सो खून बनवा रही थी, आज इसको कैसे पता चल गया उसमें धनुष दे रहा था, इसमें खाटू श्याम वाले बाबा है वो ले जाएगा वो, इसका पता लग रही है, डर रही है ये। आ जा तुझे दिखाऊं कहां मंदिर इसका, उसमें कितना बड़ा मंदिर, और ये क्या है कुछ भी नहीं है, नहीं बोलते हैं। अच्छा चलो ओके। तुम ओ देख तुम भाई आधी दाना खत्म है, दो तो फिर ना चली खत्म, अब ना चढ़ेगा बस खत्म, पूरी खत्म ना चले। तो भाई अगर हम मान लो फंस जाम है तो यूं कैसे निकालेगा फिर हमें यार, कैसे इसमें पता लग जाएगा देखिए पूछे तो साफ ना आते, जंग भी लग रहा है हम तो भीतर है, जब तो जंग लग रहा ना चलेगा, चूड़ी काट रही थी ये लग रही साइड में। इसका ये 4 एक्सप्लोर क्या ही काम का है यार, इनकी चूड़ी जब खत्म हो जा रही है, घुस ही नहीं रहा भाई बिल्कुल भी।
पानी वानी हर तरीके से ट्राई कर लिया। कैसे है जाया को? ये देखो यार, किसी काम की नहीं है यार ये। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ महिंद्रा की इन छोटी छोटी चीजों से ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है यार। मान लो ये 4x4 व्हीकल लेके आ रहा था, जेन्युइनली हम कहीं फंस जाएं, ये तो चलो हमारे अपने खुद के ऐब हो गए, कोई आदमी फंस जाए यार, बार बार इतना कहाँ करते हैं हमको यार। छठे चौमास में कोई एक बार लगाया है, अंदर भी जंग और ये दिखियो, ये देख रहे हो आप, थ्रेडिंग हर बार, पिछली वाली भी तो नॉर्मल नट बोल्ट रहे ना, वे भी बढ़िया रहे हैं यहाँ। आपने पुरानी वाली अगर हमारी देखी हो, ये दूसरा है भाई, पहला तो हुआ ही हुआ था, दूसरा भी ये वाला हो गया इसके साथ। अब बताओ मैं क्या करूं यार, 4x4 किस काम का है, और आगे भी नहीं है इसके अंदर, और आगे भी इसमें भाई कहीं पे भी वो नहीं है जिससे बोलते हैं लगाने का। आप नीचे से देखोगे वहां पे भी आपको नहीं दिखेगा, ये देख लो। तो भाई ये तो बहुत बुरा हाल है, सच बता रहा हूँ। महिंद्रा को इसके ऊपर देखना चाहिए, उनकी क्वालिटी शूज को एक बार जरूर चेक करना चाहिए। ये दूसरा, ये क्या हुआ था पहले, जब ये सनरूफ वाले केस में गई थी उसके पास सर्विस सेंटर में, तब मैंने ये इशू रेज किया था कि इसमें ये वाली भी दिक्कत है कि ये जो इसकी ये ना, ये चूड़ियां बहुत गंदी हैं। पहले बात तो इनकी जो महिंद्रा थार है उनके नट भी ऐसी नकली क्वालिटी के होते हैं भाई, जैसे आप खोलोगे ना अगर उन्हें ज्यादा टाइट कर रखे तो वो फ्री हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। मैंने आपको थार में बहुत पहले दिखाया था अगर आपको ध्यान हो तो। उसके बाद भाई इसमें आज जो ये समस्या है दूसरी बार, अब मान लो मैं ऑफ रोडिंग करने लग जाऊं या मैं इसको जैसलमेर ले जाऊं, सेम ड्यून्स में ले जाऊं, वहां फंस गई, धस गई, भाई कैसे ही निकलेगी यार। इनके बदौलत तो निकलती है, इसमें ना आगे कहीं कुछ दे रखा है, पीछे ओनली ये दे रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप सब लोग ये करते होंगे कि भाई इससे वो खींचते होंगे गाड़ी का, जो भी नॉर्मल उसका मैं केस लेके चल रहा हूँ। नॉर्मल एक कोई भी कस्टमर होगा, 4x4 में ही नहीं है तो सब में ही होता है, टो हुक तो भाई हमारी तो एंडेवर बिचारी, देखना ये जो झोटा है ये तो देखता रह गया ऐसे ही नॉर्मल। यार अच्छा मजा आता इसको पीछे से खींचता मजा आता, पर अब यार ये स्कॉर्पियो एनी डरपोक सी बिचारी डर गई, कितना ही घुमा लो आप घूमेगा ही नहीं। जैसे जिम्मेदारी जो करते होंगे भाई उनको पता होगा ना, जैसे नटवट फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट भाई घुस ही नहीं रहा है इसमें यार। हमने भाई ये खूब उससे भी चोट वोट मार के भी ट्राई कर लिया, किसी भी तरीके से नहीं घुस रहा। तो महिंद्रा शुड वर्क ऑन दिस भाई, अपनी चूड़ियों की थ्रेडिंग व्रेडिंग जो भी इनसे बोलते हैं वो सब चीज प्रॉपरली करनी चाहिए यार, कब तक ही ये ऐसे चलता रहेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यार इस गाड़ी में ना, अब आए दिन आती रहती हैं। अब बहुत तो ये कहेंगे तेरी में ही आती है क्या भाई, बात पता है क्या है, आती सबकी में दिखाने वाला चाहिए, जिगरे वाला चाहिए। क्या होता है ना, बहुत लोग क्या होते हैं अपनी चीजों की बुराई करना सही नहीं समझते। मान लो मैं अपने फार्म पे जैसे खड़ा हुआ हूँ तो मैं इसकी बुराई थोड़ी करूंगा कि ये तो बहुत बेकार जगह पे, इसके साइड में कुआ है या इसकी मिट्टी खराब है या ये मेरे पेड़ बड़े नहीं हो रहे या मेरे पेड़ हो गए। तो ऐसे बहुत लोगों में वो रहती है कि भाई अपनी चीज़ की बुराई नहीं करनी, तो लोग ये चीज़ें नहीं बताते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। महिंद्रा आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस, प्लीज़ इसको इम्प्रूव करो, आज हमारा टग ऑफ वॉर होने से रह गया, वरना आज पता चल जाता एंडेवर और स्कॉर्पियो एन में कौन सी जीतती है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको जोड़ने का। आप नीचे से देखोगे ना एक बार गाड़ी में फंस जाती है तो कोई और ऑप्शन आप इसको बांध के कहीं से भी निकाल नहीं सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पे दे ही नहीं रखा है। और यहाँ पे आगे भी कहीं पे भी आप देखोगे ना, कहीं पे भी अगर किसी भाई को पता हो तो हमको बता देना, हम तो गलत प्रूव होना चाहते हैं, कहीं भी वो लगाने का सिस्टम है ही नहीं कि भाई कहीं तो वो गुल्ला सा फंस जाए और हम आराम से सुखी जीवन अपना जी सकें। कहीं भी देख लो, गौर से हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे कैमरामैन, लेकिन हमको कहीं नहीं पा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम सनरूफ, टायर, बम्पर, बोनट, कैमराज, गुल्लाज, हर चीज़ की जिंदगी सैड लाइफ है मालिक, कौन से जन्मों का हमको दुख दे रहे हो, क्या हमने गंदे कर्म करे भाई पिछले जन्म में जो हमको भुगतने पड़ रहे हैं। कह रहे नहीं भाई चलो कोई बात नहीं भाई, लाइफ है चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। महिंद्रा इंप्रूव करें इसको, हमारी तरफ से एज अ कस्टमर आपके लिए फीडबैक है कि आप अपने उस वाली क्वालिटी पे प्लीज़ थोड़ा सा काम करें, क्योंकि उसको एक बार दो लगा दिया उसके बाद वो पता नहीं करता ही नहीं है, मेरी में ही डिफेक्ट है यार, मुझे यही समझ नहीं आता उसको। वैसे तो बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में यूज नहीं करते, पर जो हमारे जैसे एडवेंचरस एक्सट्रीम लोग करते हैं। खैर ये देखो मैंने जो अपनी बेल लगाई थी भाई, मैं आपको पहले दिखा रहा था ना जो हमने ये लगाई थी, हमने कहीं तो यहाँ पे टाकी थी, यहाँ पे ये फैलती देखो कहाँ तक आ पहुंची है, और हमारा प्लान है वहां तक टच कर जाए पूरे जाल पे, पूरे फार्म पे ये बेल ही बेल उग जाए तो कितना स्वाद बैठ जाएगा।
चलो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। महिंद्रा जी प्लीज हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट है, इसको ठीक करें और हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच।